वेलकम बैक जनाब, हम आ चुके हैं शो में और अभी हमारे पास वारिस साहब मौजूद हैं यासिर अब्बास के, उनके पास कुछ अशआर हैं जो गालिबन आपके दोस्त ने लिखे हैं। मैं माशाल्लाह यासिर के ऊपर बहुत लोगों ने यानी नसर में नज़म में बहुत लिखा और मेरे पास ऑलमोस्ट उसकी एक मुकम्मल तौर पे तो किताबी शक्ल अभी नहीं बनाई क्योंकि बहुत सारा कुछ है अभी उसको कर रहा हूँ लेकिन उसमें थोड़ी सी टेक्निकलिटीज़ भी हैं क्योंकि जब किताब छपती है तो उसकी काफ़ी रिक्वायरमेंट्स और भी होती हैं। बहरहाल वो अभी इन प्रोसेस है, तो मैंने चंद शेर सिर्फ सेलेक्ट किए। ज़रूर, हम आपसे सुनना चाहेंगे। तौकीर वतन पेश नज़र होती है जिनके, रख कर हथेली पे वो लड़ते हैं अदू से। अब्बास का नौकर हूँ, शुजात का धनी हूँ, यासिन ने ये पैगाम लिखा अपने लहू से। दो शेर और है। जुल्मत शब से अकीदत ही नहीं थी उसको, गैर के जिक्र से रगबत ही नहीं थी उसको, नस्ल काबील से कुर्बत ही नहीं थी उसको, भागने वालों से नस्बत ही नहीं थी उसको, अपने मंजिल पे डटा रहना ही मसरूरी थी, यासिर अब्बास के ये खून की मजबूरी थी। शेर और भी बहुत और भी सारे। अच्छा, अभी इनकी वालिदा भी बता रही थी कि जाने से पहले या जब भी यासिर से बात हुई तो उन्हें इंडिकेशन तो थी डेफिनेटली शहादत के हवाले से, और कुछ ऐसी बातें भी उन्होंने की, हम चाहेंगे वो बातें भी आप ना। उसने यासिर ने मुख्तलिफ मौक़ों पे शहादत डिस्कस तो बहुत की लेकिन उसका एंगल जब अपनी पर्सनैलिटी की तरफ होता था तो वो थोड़ा सा यानी अपने आप को लो फील करता था कि मेरे पास मौका नहीं है, लेकिन इवन देन वो अपने दोस्तों को उसने रिपीटेडली कहा कि कुछ अरसे बाद आप देखोगे कि मेरी तस्वीरें लगी होंगी, मेरा नाम आप जो शहदा की एक लिस्ट होगी या इस तरह से जब तरतीब आएगी तो मेरा नाम आप देखोगे। वो बातें उसके दोस्त उसको थोड़ा लाइटली लेते थे। फिर एक दो दफ़ा उसका मुलाकात हुई कुछ नेवी कमांडोज, कुछ आर्मी कमांडोज के साथ, कोई एक ऐसे एक्सरसाइज थी तो उसमें ये भी शामिल था, तो इसने उन कमांडोज से फिर कहा कि जी आपके पास तो शहादत के बहुत मौके हैं, हम इंजीनियर्स लोग हैं, हम नेवी में हैं, हमारे पास नहीं है, तो वो भी एक डिस्कशन हुई। लेकिन जो यानी इसमें सबसे ज़्यादा जो एक हुआ एक्शन हुआ या वाक़या हुआ वो ये कि इसने दो दिन पहले अपनी शहादत से अपने रूममेट्स को, इसके साथ थे दो तीन रूम, साथ वाले रूममेट्स भी थे और अपने जो अपने कमरे के भी थे, तो वो तीन चार बैठे हुए थे, तो एक पता नहीं इसने कहते हैं वो ऐसे सडनली इसने कहा जी मैं इस तरह दहशतगर्दों से लड़ूंगा, इस तरह मुझे गोलियाँ लगेंगी, इस तरह मैं ज़मीन पर गिरूँगा और शहीद हो जाऊँगा। ये उसने करके मतलब एक दो दिन पहले ना मैच में कमरे में अपने मैच के, तो उस वक्त भी उन्होंने बड़ा उसको कहा कि छोड़ो यार, एक सीनियर दो जूनियर इस तरह थे, किसी ने सर करके सर छोड़े ना आप ऐसे मजाक करते रहते हैं। ये एग्जैक्टली आफ्टर टू डेज वो शहीद हुआ और ऑलमोस्ट जो उसने बताया कि मैं ऐसे जाऊँगा इस तरह मुझे गोली नहीं गिरूँगा और शहीद हूँगा, ऑलमोस्ट वही कुछ हुआ। उसके दोस्त ने फिर मुझे उसके बरियल के दो दिन बाद फ़ोन किया, वो आया भी था बरियल में, सारे आए थे तकरीबन, तो उसने कहा कि अंकल मैं उस वक्त तो नहीं बता सका, मेरी हिम्मत नहीं बनी। उसने फिर दो दिन बाद फ़ोन पे बताया मुझे, हमने फिर कॉन्फ्रेंस कॉल तो स्पीकर ऑन कर लिया, सारे सुन रहे थे, कहते अंकल ये बात पूरा उसने बताई ना, तो मैंने कहा बेटा ये आपने मतलब किस तरह यानी इसको सुना और सारा, कहते अंकल हम उसको हमेशा यही कहते थे कि तुम क्यों इस तरह की बातें करते हो, ये ऐसे हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। मैं आपको एक और छोटी सी बात बताऊं, मैं पिंडी में पोस्टेड था तो मेरी टेन्योर ऐसा था कि यानी मैं कुछ कोर्सेज भी कर रहा था, तो मेरा ये यासिर उस वक्त FSC फर्स्ट ईयर में था, तो मैं और ये मैच में रहते थे, मेरी फैमिली लाहौर में थी, तो क्योंकि मुझे पढ़ाई बहुत करनी थी और आना जाना ज़्यादा था तो मैंने सोचा फैमिली को अपने इनके पेरेंट्स के पास छोड़ दूँ, वो मेरे साथ रहता था कमरे में, तो मेरे कुछ दोस्त मुझे मिलने आए, आते रहते थे, तो एक दफ़ा वो मिलने आए तो मैं नहीं था कमरे में, यासिर बैठा हुआ था, तो उन्होंने मेरे इंतज़ार में थोड़ी देर तो यासिर से बातचीत शुरू कर दी। उन्होंने ये बात उन्होंने भी उसकी शहादत के बाद बताई, मुझे नहीं पता था इस बात का, तो उन्होंने कहा कि हमने यासिर से पूछा जैसे होता है पढ़ रहे हो क्या हो गया मैं आगे क्या करूँगा, कहता जी मैं
फोर्सेज में जाऊंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं दहशतगर्दों से लड़ूंगा और मैं शहीद हो जाऊंगा। अब जो मेरे साथी थे वो आर्मी के मतलब 20-20 साल गुजारी हुई उनकी सर्विस थी, उस वक्त की बात कर रहा हूँ, तकरीबन इसकी शहादत से भी काफ़ी अर्सा पहले। उन्होंने कहा यार ये पॉसिबल नहीं है कि तुम यानी फोर्सेज में इंजीनियर दहशतगर्दों से लड़ाई और शहादत, ये सीक्वेंस है ही नहीं, यानी बनता ही नहीं है ये, एक आध परसेंट किसी कहीं हो जाए तो। लेकिन वो उसने जब बाद में मिला वो कहता है उसने ये हमें उस वक्त बताई ये बात, ठीक है, इंडिकेशन से डेफिनेटली मैं कहने का कि बहुत अरसे से वो इस चीज को बता रहा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया, और मैडम आपका भी बहुत शुक्रिया, और थैंक यू सो मच शबाना, आप सबका बहुत शुक्रिया। और डेफिनेटली हम खुद इमोशनल हो जाते हैं, तो आप लोगों के लिए है तो ये फख्र की बात, लेकिन कोई भी कमी को कंपनसेट तो डेफिनेटली नहीं कर सकता। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। ना ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।